नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूना। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है हल्द्वानी से। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस भी दिया गया है। मामले में एक महीने बाद अगली सुनवाई होगी। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, अभी फौरी तौर पे तमाम जो लोग हैं जिनको प्रभावित लोग कह रहे थे और जिनको ये कहा जा रहा था कि ये अतिक्रमण के दायरे में है, इन लोगों के लिए राहत की बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, तो इन लोगों के लिए एक राहत की बात है। आगे इसका कैसा स्वरूप होगा, शासन प्रशासन जो इसके अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में जुटा हुआ था उस पर शासन किस तरीके की तैयारी अपने आगे बढ़ाएगा। दूसरा, जो अगली सुनवाई होगी उस सुनवाई पर ये देखना होगा कि रेलवे की तरफ से आखिर क्या पक्ष इसमें रखा जाएगा। रेलवे को भी अपना पक्ष रखना है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनकी जो वास्तविक तस्वीर है वो तो अगली सुनवाई पर साफ होगी, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में सियासत होने लगी थी और सत्ता पक्ष के तमाम लोग ये कह रहे थे कि कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो इन लोगों के मददगार बनने की कोशिश कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई। तो ऐसे में अब जब चूंकि कोर्ट में सुनवाई हुई है तो जस्टिस कॉल की अदालत ने इनको अभी फिलहाल तौर पर राहत दे दी है और अगली सुनवाई 7 फरवरी की तिथि नियत की गई है। देखना होगा कि रेलवे क्या पक्ष अपना रखेगा और आगे जो इसमें सियासत हो रही थी, सियासतदान आखिर अपनी आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे और आने वाले समय में इन लोगों को किस तरह की राहत मिलेगी, या फिर जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कुछ इस तरीके का आदेश दे सकता है, ये देखना होगा। जी पूनम, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। इन लोगों के लिए राहत का तो फैसला अभी कुछ समय के लिए कह सकते हैं जब तक रोक लगाई गई। सुनो, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई हो कि दलीलें क्या क्या पेश की गई, फिलहाल कुछ जो है कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए पूनम, 2 जनवरी को ये मामला गया था पहले ये कोर्ट में, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद फिर 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। उसके बाद तमाम उनके अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार हुआ और इसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा गया है कि बड़ी तादाद में लोग वहां बसे हुए हैं, रातों रात इनको उजाड़ना मानवीय लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में एक तो समय दे दिया जाए और दूसरा इसके लिए रेलवे क्या कहता है इस पक्ष को जान लिया जाए, तो तमाम चीजों को स्पष्ट करने के बाद कोर्ट में फिर इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट पक्ष और विपक्ष यानी प्रभावितों की तरफ से और रेलवे के पक्ष को, दोनों को सुनने के बाद अपना कोई निर्णय सुनाएगा और उस निर्णय के अनुरूप ही फिर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो है कार्य को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी पूनम जी, शुक्रिया सोनू इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कहा 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 फरवरी तय की है। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओक की बेंच ने मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कौल ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने शीर्ष अदालत के सामने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ा और कहा कि वहां पक्के निर्माण है, स्कूल और कॉलेज है।